में आपको फंसाया गया, जिसके कारण आपको चुनाव भी टिकट भी नहीं मिला, तो क्या कहेंगे आज कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? देखिए, आप जानते हैं कि दो साल से जो अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में और स्टेट में जो मेरे खिलाफ है, जो मेरे विरोध में काम करते हैं, वो सब मिलके एक कॉन्स्पिरेसी किया था मेरे खिलाफ और झूठा इल्जाम लगाया था, और हाईकोर्ट ने आज राय दे दिया है। इसके बाद पूरा पर्दाफाश हो गया कि इसमें मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं ये पहले से ही पता था, मैं पहले से भी कहता था कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और आज ये प्रूव हो गया हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद कि पूरा क्लीन चिट मिल गया, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज लोगों को ये भी पता चल गया किस तरीके से झूठा इल्जाम मेरे खिलाफ मेरे विरोधियों ने, विरोध अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे खिलाफ लगाया था, और कोशिश करते थे हर वक्त मुझे फंसाने के लिए। इस बात आज लोगों को पता चल गया है। सर, निचला कोर्ट को प्रभावित किया गया विपक्ष द्वारा? नहीं, कोर्ट को प्रभावित किया गया ये मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कोर्ट में मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ था। सर, ऐसा सोचा जाता है कि जैसा काफी प्रचार प्रसार के कारण आपको मर्डर केस में इन्वॉल्व कर दिया गया जानबूझ के दोबारा, क्योंकि आपका नाम ही नहीं था, फिर आपको 13 नंबर एक्यूज करके चार्जशीट फाइल। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट था तो मुझे एक नंबर में क्यों नहीं रखा, तो एंड में क्यों रखा, लास्ट में क्यों रखा? तो उन्होंने जानबूझकर मेरे नाम वो एफआईआर में रख दिए थे कि मुझे फंसाने के लिए। वो साफ हो गया और सत्य का जय हुआ। लेकिन सर, आपका पॉलिटिकल करियर को काफी दांव पर लगा दिया गया, अब चुनाव भी नहीं लड़ सके? वो तो बात नहीं है, लोग मुझे जानते हैं, पहले भी जानते थे, आज भी जानते हैं। मैं जहां भी रहूं लोगों के लिए काम करता हूं, और मेरा हर वक्त ये कोशिश रहता है कि लोगों के लिए कैसे काम करें और ओडिशा के लिए नवीन बाबू के नेतृत्व में काम करें। ये काम मैं पहले से भी करता था।